औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मर्दूद से, और अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेटरनरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस चैनल से मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुबस्सिर अय्याज, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर से। स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स, आज हम ट्रिमेटोड्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्लूक्स हैं, पत्तानुमा कीड़े हैं, जिनकी मेडिकल फील्ड में इम्पोर्टेंस है। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुबस्सिर अय्याज, मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस चैनल से। ये हमारी एलिमेंट्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस की सीरीज का चौथा पार्ट है, और इसमें हम ट्रिमेटोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिमेटोड्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिमेटोड्स जो मेडिकल इम्पोर्टेंट हैं वो या तो ब्लड में पाए जाते हैं या फिर ब्लैडर में, और उसके अलावा लंग्स में और लिवर में। तो इस तरीके से जो ट्रिमेटोड्स हैं उनकी काफ़ी अहमियत है। मोस्टली तीन किस्म के ट्रिमेटोड्स जो हैं वो काफ़ी अहम हैं, जिसमें शिस्टोसोमा स्पीशीज़ के हैं जो कि ब्लड में रहते हैं, या उनको ब्लड फ्लूक्स कहते हैं, और इनकी शेप भी मुख्तलिफ होती है। दूसरे नंबर पर क्लोनॉर्क्स सेनेंसिस, जिसको लिवर फ्लू कहते हैं या चाइनीज़ लिवर फ्लू कहते हैं, और नेक्स्ट है पैरागोनीमस वेस्टरमेनाई, जिसको लंग फ्लू कहते हैं। तो आए इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। शिस्टोसोमा स्पीशीज जो कि ब्लड फ्लूक्स में पाई जाती हैं, उनको शिस्टोसोमियासिस भी कहते हैं या बिलहर्जियासिस भी कहते हैं। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि ब्लड के अंदर जो ट्रिमेटोड्स हैं वो रहते हैं, और इनमें तीन अहम हैं जो कि इंसानों में इस डिजीज को काज करते हैं, जिसमें शिस्टोसोमा हिमाटोबियम है, शिस्टोसोमा जैपनिकम है, और शिस्टोसोमा मेंसोनी है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो फ्लूक्स हैं और उनके एग्स हैं और उनके सरकेरी और मेटा सरकेरी हैं, तो उनकी आप ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स देख सकते हैं। शिस्टोसोमा के जो एग हैं वो फीसेस में या यूरिन में खारिज होते हैं, और इनको हैच होने के लिए ख़ास किस्म की एनवायरनमेंट चाहिए, और एग हैच होकर मेरिसीडियम रिलीज करते हैं, जिनके अंदर पानी में तैरने की ताकत होती है, और वो स्नेल या घोंघे के अंदर जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर घुस जाता है, और इसमें स्टेज के अंदर वो स्पोरोसिस्ट और सरकेरी की स्टेजेस डेवलप करता है, जिसमें जो इन्फेक्टिव सरकेरी है स्नेल के अंदर से बाहर निकलती हैं, और कोई भी होस्ट जिसमें इंसान शामिल है या कोई एनिमल शामिल है, मोस्टली इंसानों को उनकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट करता है, और जैसे ही ये पेनिट्रेट करता है तो इसकी जो फोर्क्ड टेल है वो ख़त्म हो जाती है और ये शिस्टोसोमोला बन जाते हैं। शिस्टोसोमोली जो है वीनस सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन से माइग्रेट करता है और लंग्स में, दिल में, और फिर लिवर में ये पहुंच जाता है, और उससे होता हुआ
ये पोर्टल वेन सिस्टम से या पोर्टल वेन के एरिए में ये वहाँ पे मैच्योर होता है। ये मेल और फीमेल शिस्टोसोमा पैरासाइट हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि मेल के अंदर गैनेकोफोरिक कैनाल के अंदर जो फीमेल है वो रिजाइड करती है और फिर वो एग रिलीज करती है। मेल और फीमेल एडल्ट वर्म्स कॉपुलेट करते हैं और मेजेंटेरिक वेन्यूल्स में अपने एग रिजल्ट देते हैं। जैसे शिस्टोसोमा जिपनिकम है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में पाया जाता है, और इसी तरीके से जो शिस्टोसोमा जिपनिकम है वो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन में पाया जाता है, और इसकी जो ड्रेनेज है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। शिस्टोसोमा हेमाटोबियम आमतौर पर वेजिकुलर और पेल्विक वीनस प्लेक्सस ऑफ द ब्लैडर में पाया जाता है, ये मसाने के करीब होता है, लेकिन इसके अलावा जो रेक्टर वेन्यूल्स में भी पाया जा सकता है। जो फीमेल का साइज है वो 7 से 28 मिलीमीटर है, और जो एग्स हैं वो स्मॉल वेन्यूल्स ऑफ द पोर्टल और पेरीवेजिकुलर सिस्टम में डिपॉजिट किए जाते हैं, और फिर जो इसके एग्स हैं वो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में आगे पेनिट्रेट करते हैं, जिसमें स्पेशली शिस्टोसोमा मैनसोनी है, शिस्टोसोमा जैपनिकम है, शिस्टोसोमा मेकोनगी है, और शिस्टोसोमा इंटरकलेटम या गिनेंसिस है। और जो ब्लैडर में और या यूरिटर में पाए जाते हैं जिनके एग्स वो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है, वो या तो यूरिन के साथ खारिज होते हैं या फिर फिसेस में खारिज होते हैं। होस्ट, इनके काफ़ी सारे होस्ट हैं जिनमें कैटल है, डॉग्स, कैट्स, और उसके अलावा जो रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह, पिग्स, घोड़े और बकरियां शामिल हैं। ये आमतौर पर शिस्टोसोमा जैपनिकम की रिजर्वायर बनते हैं, जबकि जो शिस्टोसोमा मेकोनगी है या शिस्टोसोमा मैनसोनी है वो उसमें जो डॉग्स हैं या जो वाइल्ड प्राइमेट्स हैं उनमें पाया जाता है या मिला है, और आमतौर पर इंसानों में ये पैरासाइट मौजूद हो सकता है। जूनोसिस की इसकी कोई ख़ास शवाहद हमें नहीं मिल सके। जो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो स्नेल्स हैं या घोंगे हैं वो बायम फिलेरिया शिस्टोसोमा मैनसोनी के लिए, अंकोमिलेनिया शिस्टोसोमा जैपनिकम के लिए, और बुलिनियस शिस्टोसोमा हीमाटोबियम, शिस्टोसोमा इंटरकलेटम और शिस्टोसोमा गनेंसिस के लिए ये एज ए इंटरमीडिएट होस्ट रोल प्ले करते हैं। शिस्टोसोमा का जो जनरल लाइफ साइकिल है उसमें आप देख सकते हैं कि शिस्टोसोमा इंटेस्टाइन के जरिए या यूरिन के जरिए या फीकल मटेरियल के जरिए इनके एग्स पानी में रिलीज होते हैं और वो हैच होते हैं, मेरासीडियम बनते हैं। मेरासीडियम स्नेल्स में जो कि डिफरेंट इंटरमीडिएट होस्ट है उनमें दाखिल हो जाते हैं, और इसमें जो स्पोरोसिस्ट और सरकेरी डेवलप होते हैं, वो सरकेरी आगे जो इन्फेक्टिव स्टेज है रिलीज होता है, और फिर दोबारा वो जो ह्यूमन बीइंग है या होस्ट है उनमें ये पेनिट्रेट कर जाता है। तो इस तरीके से इसका ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें आप देख सकते हैं
कि कैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये मर्ज़ ज़्यादा कॉमन है, किस तरीके से ये लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होता है। ये डिज़ीज़ आमतौर पर जैसे ही इन्फेक्टेड एरिया में स्किन या नंगे पांव या नंगे जिस्म, जो फ्रेश वाटर में कंटेमिनेशन होती है स्नेल्स की, वो पानी में तैर रहे होते हैं जो इसके सरकेरी हैं, और जैसे ही कोई कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड पर्सन या इंसान वो पानी की सोर्स के करीब या तो पेशाब करता है या वहाँ पर डेफिकेट करता है, तो एग वो रिलीज़ कर देता है, और एग जो है वो हैच कर जाते हैं, और उनके लिए ख़ास किस्म के जो स्नेल्स हैं उनके एज ए इंटरमीडिएट जो रोल प्ले करते हैं वो उस पानी में मौजूद होते हैं, और वो पैरासाइट उनको इन्फेक्ट करता है और उस स्नेल के अंदर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। फिर वो पैरासाइट स्नेल से निकलते हैं और पानी के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो 48 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। शिस्टोसोम्स की जो लार्वल फॉर्म है उसको सरकेरी कहते हैं, और वो स्किन के अंदर या जिल्द के अंदर पेनिट्रेट करती है, और उसमें आमतौर पर नहाने से या उसमें स्विमिंग करने से या कपड़े धोने से या बाज़ दफ़ा जो चावल की काश्त होती है उसमें भी ये डिज़ीज़ के जो लार्वे हैं इंसान में पेनिट्रेट कर सकते हैं। काफ़ी हफ्ते तक ये पैरासाइट्स जो होस्ट है उसके टिश्यूज़ के अंदर, जिस्म के अंदर घूमता रहता है, और ब्लड वेजल के अंदर या खून की नालियों के अंदर ये एडल्ट वर्म बन जाता है। जब ये वर्म मेच्योर हो जाता है तो मेल और फीमेल अंडे पैदा करते हैं, और उनमें से कुछ अंडे जो हैं वो शिस्टोसोमा हीमाटोबियम के ब्लैडर में चले जाते हैं या आंतड़ियों में चले जाते हैं, और फिर वहीं से वो फुजले के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए बाहर खारिज हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 13 साल का बच्चा, इसको शिस्टोसोमियासिस का मर्ज़ है, इसमें इसका जिगर और तिली बढ़ गए हैं, एसाइटीज हो गई है, पेट में पानी भर गया है, मसल्स की एट्रॉफी हो गई है, कमज़ोर हो गया है, अनीमिया, इसमें खून की कमी है, और इसको पेचिस लगे हुए हैं, और पेचिस के साथ साथ खून भी इसके आंतरियों में से खारिज हो रहा है। तो ये इसकी आमतौर पर अलामत होती हैं। क्लोनॉर्किस सेनेंसिस, इसको चाइनीज लिवर फ्लूक भी कहते हैं, और ये ट्रीमाटोडा फाइलम प्लेटिहेलमिंथस से होती है, और ये आमतौर पर ऐसे मैमल्स या ऐसे इंसान और जानवर जो मछलियाँ खाते हैं उनमें ये मर्ज हो सकता है। ये आमतौर पर इंसानों में जो पित्ते की नाली है और पित्ता है उसके उसमें इन्फेक्शन काज करता है, और ये जो पित्ते के अज्जा हैं या उसका जो बाइल है उसके ऊपर इसकी खुराक होती है। अगर इसकी लाइफ साइकिल देखा जाए तो पित्ते की नाली से इसके अंडे खारिज होते हैं स्टूल के अंदर, और वो आमतौर पर एम्ब्रियोनेटेड स्टेज में होते हैं।
कोई स्नेल जो है, जो सूटेबल स्नेल है वो इसको, इसके अंडों को खा लेता है और एग में से मेरा सीडियम जो है वो रिलीज हो जाता है, जो कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट स्टेजेस के बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सरकेरी की डेवलपमेंट स्टेजेस में पहुंच जाता है। सरकेरी स्नेल से बाहर रिलीज होते हैं और थोड़ी सी देर फ्री स्विम करने के बाद वो मछली के जिस्म के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, जो कि आमतौर पर ताज़े पानी की मछली होती है, जहाँ पे वो मेटासरकेरी की सूरत में इंसिस्ट बन जाते हैं। ये आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं क्लोनोर्किस सेनेंसिस का, कि किस तरीके से ये जो फीकल मटेरियल से इसके एग रिलीज हो रहे हैं, और वो मोस्टली एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, फिर उनमें से जो स्नेल है उनको इंजेक्शन कर देता है, और स्नेल के अंदर जो मेरा सीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिए है और सरकेरी की डेवलपमेंट होती है। फिर जो सरकेरी है वो इंसिस्ट हो जाती है फिश की स्किन के अंदर और पेनिट्रेट करती है, और फिर इंसान के खाने से ये मर्ज बन जाता है, बढ़ जाता है। पैरागोनिमस वेस्ट्रोमेनाई, इसकी जो खासियत है इसको लंग वर्म कहते हैं, और आपको ये इल्म है कि इस फ्लू की या ट्रीमाटोड की जो पैरागोनिमस की जीनस है, इसकी 30 स्पीशीज हैं जो कि इंसानों को और जानवरों को इन्फेक्ट कर सकती हैं, और उनमें से ज़्यादातर तकरीबन 10 स्पीशीज़ के करीब इंसानों को ये इन्फेक्शन काज करती है, और इनमें से जो आम इन्फेक्शन है या ज़्यादा इन्फेक्शन है वो पैरागोनिमस वेस्ट्रोमेनाई का है, जिसको ओरिएंटल लंग फ्लूक भी कहते हैं। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो एक स्नेल है जो कि सल्कुस पैरा कॉन्गिटेरियंसिस है। और ये जो लंग फ्लूक है ये आमतौर पर क्रैब फिश या क्रे फिश को या क्रैब को रॉ या आधा पका हुआ या नामुनासिब तरीके से पका हुआ खाने से हो सकती है, और आमतौर पर उस वक्त मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब ये पैरागोनिमस या पैरागोनिमियेसिस का जो मरीज़ है ये पैरासाइट उसके दिमाग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। आमतौर पर जो मरीज़ होता है उसकी थूक से या बलगम से इसके जो एग्स हैं अनएम्ब्रियोनेटेड वो खारिज होते हैं, और या बाज़ दफ़ा वही जो थूक है या बलगम है वो जब इंसान निगल लेता है तो ये अंडे जो पैरागोनिमस वेस्ट्रोमेनाई के हैं उनके फजले से या स्टोल से खारिज होते हैं। तो आमतौर पर जब ये एग्स बाहर निकलते हैं खुली हवा में तो एम्ब्रियोनेट हो जाते हैं, और इनमें से मेरासीडिया जो है वो हैच होता है, और वो एक स्नेल को तलाश करने की कोशिश करता है जो उसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। और क्योंकि आपको पता है कि घोंघे के जिस्म बहुत सॉफ्ट होता है तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है,
मेरा सीडिया काफ़ी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरता हुआ, स्पोरों से स्टोरेडिया और फिर सरकेरी की फॉर्म में स्नेल के अंदर ही रहता है, और सरकेरी की हालत में ये स्नेल से बाहर निकलता है। तो सरकेरी जो है ये दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट को, जो कि क्रैब है या क्रेफिश है, ये उसको इन्फेक्ट करता है, और जहाँ पे वो इंसिस्ट कर जाता है और मेटा सरकेरी की फॉर्म में बन जाता है। और यही मेटा सरकेरी जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है मेमेलियन होस्ट के लिए, जिनमें इंसान या दूसरे मैमल्स शामिल हैं। आमतौर पर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पैरागोनिमस वेस्टरमेनाई इंसानों में जो क्रैब है जिसको केकड़े कहते हैं और क्रैफिश है, अगर वो सही तौर पर पकी ना हो या उसका अचार बना हुआ हो, अगर उसको वो खाए और उसमें वो मेटासरकेरी मौजूद हैं, तो ये ड्यूडिनम में वहाँ पे अपनी सिस्ट से बाहर निकल आते हैं और आंतड़ियों की दीवार में ये दाखिल हो जाते हैं, जहाँ से वो पेरिटोनियल कैविटी में, फिर वहाँ से पेट की दीवारों में और डायफ्राम से होते हुए फेफड़ों तक भी पहुँच सकते हैं, और फेफड़ों के अंदर वो इनकैप्सुलेटेड हो जाते हैं और वहीं पे एडल्ट या बालिग हो जाते हैं। इनका जो साइज है आमतौर पर 7.5 से 12 मिलीमीटर तक होता है, और इनमें से बाज़ कीड़े या बाज़ पैरासाइट वो दिमाग तक और दूसरे स्ट्राइटेड मसल तक पहुंच जाते हैं, और जब इसकी जो जिंदगी है ये उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते, और इसमें आमतौर पर अंडे देने का वक्त 65 से 90 दिन तक है, और ये अपनी प्री डायलेक्शन साइट पर पहुंच कर ही एग्स देते हैं। और पैरागोनिमस वेस्टरमेनाई का इन्फेक्शन 20 साल तक इंसानों के अंदर रह सकता है, और दूसरे एनिमल्स में जिनमें पिग्स और डॉग्स और जो दूसरे फिलाइन या कैट की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर हैं, उनके अंदर ये रह सकता है। ये इसका आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रैब या क्रेफिश खाने से आगे मर्ज डेवलप होता है, और डिफरेंट स्टेजेस तय करने के बाद दोबारा ये इंसान को हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का इसका एग है, और मिडल वाला जो है ये पैरासाइट है या फ्लूक है, और जो लास्ट वाला है ये लंग्स के अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक से इसको चेक किया गया है वो मौजूद है। आई होप कि ये आपको मालूमात पसंद आई होंगी, और आप कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ों से आप बचें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। थैंक यू। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, नित नए मालूमात के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, आई आई होप होप कि कि आपको आपको ये पसंद आया होगा। प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और कोई नई चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगी, एटलीस्ट कम से कम कोई चीज़ें रिवाइज ही हो गई होंगी, जिसकी वजह से हम अपने जो फार्मर्स भाई हैं और जो उनके कीमती जानवर हैं उनकी जानों को हम बचा सकते हैं।
और इसी तरीके से अगर आप कोई नई चीज़ देखते हैं या महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि आप वो मेरे साथ शेयर करें और उसकी हम मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जो कि एक सदका जारी है, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या उसकी वीडियो बना के भेज सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं ताकि हम लोगों को आगे बता सकें। आपका शुक्रिया।